दोस्तों, रिया रिप्ले ने दिस जजमेंट डे के साथ ही पूरे WWE यूनिवर्स को एक संदेश भेजा है, और वह संदेश भेजा है दिस जजमेंट डे को लेकर, और दिस जजमेंट डे की सुप्रीमेसी को लेकर उन्होंने ये संदेश और मैसेज है पूरे WWE यूनिवर्स को भेजा है। दरअसल हम जानते हैं कि दिस जजमेंट डे के लिए ये दिन काफ़ी अच्छे साबित हुए, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से द जजमेंट डे ने टैग टीम चैंपियनशिप को हासिल कर लिया है जे उसो एंड कोडी रोड्स को हराकर। रो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिमी उसो ने द जजमेंट डे की मदद करते हुए जे उसो और कोडी रोड्स के खिलाफ रो टैग टीम चैंपियनशिप को एक बार फिर से जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की, और इसी के चलते दिस जजमेंट डे है वह चैंपियन बन चुकी है। और इसे कुछ ही वक्त पहले डोमिनिक मिस्टीरियो ने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, जो कि NXT की एक चैंपियनशिप है, उसको जीत लिया था। और वहीं पर रिया रिप्ले है इस वक्त वुमन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी हुई है। ऐसे में इसी बात को लेकर रिया रिप्ले ने एक ट्वीट किया, और जिसमें वे द जजमेंट डे की सुप्रीमेसी को लेकर बात कर रही है। दरअसल रिया रिप्ले ने कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट किए हैं, और उसमें लिखा है कुछ गोल्ड और कुछ स्ट्रेचेज को छोड़कर जजमेंट डे है वह मंडे नाइट रो को चला रही है। यानी कि यहाँ पर रिया रिप्ले साफ साफ ये कहना चाहती है कि इस वक्त पूरे WWE और रो पर राज कर रही है दिस जजमेंट डे, और एक तरह से ये संदेश रोमन रेंस और उनकी टीम के लिए है, क्योंकि रो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दिस जजमेंट डे के इस मुकाबले को दी ब्लड लाइन के मेंबर जिमी उसो ने इंटरफेयर किया था। हालांकि इस मुकाबले के दौरान तो जिमी उसो ने दिस जजमेंट डे की मदद ही की, लेकिन रिया रिप्ले को पता है कि ये टीम कभी भी उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। ऐसे में ये उन्हें पहले ही संदेश देना चाहती है। इस वक्त रिया रिप्ले अपनी चैंपियनशिप के लिए साइना बेजलर, नया जैक्स, रैक्विल रोड्रिग्वेज और जो स्टार्क के साथ अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा रही, और इसी के चलते WWE के आने वाले इवेंट में क्राउन जेवेल्स में हमें एक फैटल फाइव वे मैच वुमन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। और इसी के साथ रिया रिप्ले ने जो फोटो पोस्ट किए उसमें उनकी कोहनी पर कुछ टांके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके ये टांके नया जैक्स के साथ उनकी दुश्मनी के चलते ही लगे हैं, और एक मुकाबले के दौरान वे थोड़ा इंजर्ड हो जाती है, और इसी के चलते उनकी कोहनी पर टांके लग जाते हैं। और इससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेसलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक खेल है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।